जो मैंने ये कैमरा लाया था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मैं, देख सकते हो ये है हमारा DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा, इसी के लिए मैंने लिया था वो प्रोटेक्टर। और तो हे दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत और स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके हमारे टेक्निकल चैनल में। सबसे पहले वीडियो में आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत जल्द मेरा व्लॉग का चैनल शुरू होने जा रहा है। व्लॉग के चैनल में डेली वीडियोज, मेरी लाइफ स्टाइल की वीडियोज उस व्लॉग में आने वाला है। तो सबसे पहले जाइए भाई मेरे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप कोई भी चीज लेते हो तो उसे केयर करना भी आपको सीखना चाहिए। रही बात अगर वो चीज ज्यादा महंगी ये तो और भी उसकी केयर हम ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो मैंने ये कैमरा लाया था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैं आज इस बैग का रिव्यू करने वाला हूँ। ये बैग मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये बैग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देख सकते हो ये है हमारा DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा, इसी के लिए मैंने लिया था वो प्रोटेक्टर। और ये जो कवर है ये हमेशा आपके कैमरे की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में भी ये बना रहेगा और ये आपको लेना बहुत जरूरी है अगर आपके पास कोई भी एक्शन कैमरा आपके पास में है, ठीक है, तो इसको आप जरूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन गार्ड मैंने लगाया हूँ, यहाँ पे भी एक प्रोटेक्शन गार्ड मैंने लगाया हूँ, यहाँ पीछे भी एक प्रोटेक्शन गार्ड लगा होता है, फ्यूचर में यहाँ पे स्क्रैचेस ना आए और कैमरा अगर गलती से भी हमारे हाथ से गिर जाता है तो इसके ऊपर जो लेंस है या फिर जो भी ओरिजिनल स्क्रीन है इसके ऊपर आँच नहीं आना चाहिए, इसलिए इसके गार्ड मैंने बुलाया। आज मैं उसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। तो भाई अमेजोन से आया है ये प्रोडक्ट और सबसे पहले मैं पहले प्रोडक्ट का आपके सामने रिव्यू करूंगा और इसमें क्या निकलता है। सबसे पहले हम इसको फाड़ देते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसकी पैकिंग आ जाती है जिसमें डस्ट एब्जॉर्बर है। इसका मैं यूज़ आपको बाद में बहुत क्लियरली बताऊँगा। उसके बाद हमको मिल जाता है भाई यहाँ पे स्क्रीन गार्ड राउंड वाला, उसके बाद में स्क्वेयर आगे की फ्रंट स्क्रीन के लिए गार्ड, उसके बाद में जो बड़ी स्क्रीन है बैक वाली उसके लिए ये गार्ड। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है, उसको बाद में आपको लगा के दिखा दूंगा। और सेकंड ये जो गार्ड है ये है ये लेंस के लिए, ठीक है, फ्रंट वाले लेंस के लिए और फ्रंट स्क्रीन के लिए भी आपको दिखा दिया। तो यार यहाँ पे छोटे छोटे नैपकिन दिए गए हैं पैकेट में, तो उससे हम इसको साफ कर लेंगे क्योंकि ये साफ करने के लिए दिए गए। उसके बाद में ये सबसे पहला गार्ड मैं लगाऊंगा फ्रंट वाला, यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छे रीति से वो चिपक गया है, ठीक है। उसके बाद में मैं लगाता हूँ सीधा लेंस वाला और लेंस वाला भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है, ये पूरे रीति से चिपक जाएगा। उसके बाद में सबसे आगे वाली फ्रंट सबसे बड़ी जो स्क्रीन है हमारी बैक वाली जो डस्ट एब्जॉर्बर दिया है उससे हमको यहाँ से पूरा डस्ट निकाल देना है इस तरीके से, ठीक है। तो उससे डस्ट निकालने के बाद में फिर से हम वो वाली स्क्रीन लगा देंगे और लगाने के बाद में यहाँ पे मैं उसको टैप कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया रीति से यहाँ पे देख सकते हो पूरे गार्ड, ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे गार्ड लगे हैं लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन लगे हुआ है, ठीक है। तो इसको हम जैसे के वैसे वहाँ पे कवर में माउंट कर देंगे, यहाँ पे मैं उसको डाल देता हूँ जैसे के वैसे, और लगाने के बाद में इसको इस क्लिप को बहुत अच्छी रीति से मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा। और ये काफ़ी अच्छी रीति से सेटिंग हो गई हमारे इस कैमरे की और बहुत अच्छा सेफ्टी में कैमरा हो गया, ठीक है। इन फ्यूचर में कभी हमको तकलीफ नहीं आएगी। बात करूँगा सेकंड अच्छे प्रोडक्ट की जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये पैकेट, ठीक है। यहाँ पे गैप है, ये गैप क्यों है मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो ये प्रोडक्ट इसको इस तरीके से यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट क्लियरली यहाँ पे वो फिट हो गया और जो माउंट करने वाला क्लिप है उस गैप से निकल गया। तो हम इसको ऐसे कहीं पे भी रख सकते हैं, काफी पसंद आया मुझे। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना और भाई सपोर्ट जरूर करना यार, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। बाय बाय।